हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अनिरुद्ध कुमार मौर्य। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध स्टडी पॉइंट। आज आप लोगों को हम क्लास सिक्स में एक्सरसाइज 8.6 बताने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो सम ऑफ टू नंबर्स दे रखा, वन नंबर इतना दे रखा है, इसका फार्मूला होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स दे रखा है। तो सम ऑफ टू नंबर्स दे रखा है और वन नंबर उसमें से एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर आपको बताना है। यानी एस का मतलब यहाँ पे सेकेंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है, सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस 16 यानी इस सम ऑफ टू नंबर दे रखा है, तो इसका फार्मूला होता है सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, ये होगा। ठीक, अब इसमें क्या है, ध्यान देने की ज़रूरत है। सम ऑफ टू नंबर दे रखा, कितना दे रखा है, 16.25 इज इक्वल टू, उसमें क्या पहला नंबर दे रखा 9.28। ठीक, और प्लस सेकेंड नंबर निकालना है। तो जब सेकेंड नंबर निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे किससे, 16.25 माइनस 9.28, 9.28 माइनस कर दीजिए, तो इसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, इसको हम माइनस करते हैं 16.25 माइनस 9.28। ठीक, अब माइनस करिए, तो जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 8 जाएगा, नहीं जाएगा तो कर ही लिया, 15 से 8 जाएगा 7। ठीक, यहाँ पे कितना बचा, 1 से 2 जाएगा, नहीं कि बोरो लिया कैरी नहीं कहेंगे उसको, गलत हुआ गया, बोरो लिया तो 11 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 9। और डेसिमल्स लगाओ सीधे स्ट्रेट लाइन, डेसिमल्स रहेगा, यहाँ पे कितना बचा, 5 से 9 जाएगा नहीं, 15 से 9 जाएगा 6, तो 6.97। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा, ये कौन सा नंबर आ जाएगा हमारा, तो ये सेकेंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रवि हैड 701.50 एंड श्याम हैड 35.25 मोर। ठीक है, तो व्हाट अमाउंट द मनी डिड श्याम हैड, तो रवि के पास इतना अमाउंट है, श्याम के पास इतना है, तो श्याम के पास इतना ज़्यादा है, तो यानी श्याम के पास कितना होगा, व्हाट अमाउंट मनी डिड सी श्याम हैड, श्याम के पास कितना पैसा है। तो श्याम के पास पूछ रहा है कितना पैसा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, 701.50 को ऐड कर देंगे 35.25 मोर, तो उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, 701.50 35.25 प्लस ऐड करो, तो ये 5 5 to 7 5 and 6 3 7, तो ये इतना है उसके पास, 736.75 रुपीज़। ठीक, ये क्या है, इसके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा है। ओके, तो ये किसका पैसा आ गया, श्याम का, इसका पैसा आ गया सैम का। ओके, क्लियर नाउ दिस अंडरस्टैंड। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम बताएंगे। बताओ कौन सा बताएं, क्वेश्चन नंबर हम बताने वाले हैं थर्ड वाला। जॉनी बॉट इन 4.5 केजी, इन टीटू बॉट इन 7.25 केजी एंड अल्बर्ट बॉट 6 केजी ऑफ राइस, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ राइस वाज बॉट इन बाय द ऑल टुगेदर या बाय थ्रू टुगेदर। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम अब डायरेक्टली हम बताएंगे, ज़्यादा सॉल्यूशन आपको करना है अपने आप घर पे। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सभी को प्लस कर देना है, क्या करना है, सबको प्लस कर देना है। ओके, दूसरा फोर्थ वाला क्वेश्चन, सुधीर वॉल्ड द 5.2 किलोमीटर ट्यूजडे एंड 7.25 किलोमीटर इन वेडनेसडे एंड 3.655 किलोमीटर इन सैटरडे, व्हाट डिस्टेंस वॉक बाय द हिम ड्यूरिंग द दीज 3 डेज, तीनों डेज में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की गई। तो सबको ऐड कर दो, यानी प्लस करना है, सबको ऐड कर देना है इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, अभिनव इज कैरिंग अ बैग ऑफ मास इन 1.75 केजी, हिज फादर इज कैरिंग इन अनदर बैग ऑफ मास इन 10.25 केजी, व्हाट इज द
मास ऑफ बोथ वेज टूगेदर। तो इसमें भी क्या है, एक अभिनव के पास इतना है तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ फर्स्ट बैग, ठीक है, वेट ऑफ फर्स्ट बैग, या वो कह सकते हैं वेट ऑफ अभिनव, वेट ऑफ फर्स्ट बैग बाय अभिनव, इस तरीके से चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये इसका ऐड कर देंगे आपस में, तो ये भी जितना आएगा इसमें भी क्या आपका लगेगा, प्लस का ही लगेगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो सिक्स में है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में भी लगभग संजना हैड अ गॉट इन 75.15 फ्रॉम हर मदर फॉर पैकेट मनी, पॉकेट मनी से इन्होंने इतना पैसा दिया है, माता जी ने संजना को मिला है, एंड हर ब्रदर इन 67.50, और उसके जो भाई को वो कितना मिला 67.50, एंड हाउ मच मोर अमाउंट इज संजना गेट इज पॉकेट मनी। तो पॉकेट मनी से जो संजना की बात करें तो अमाउंट में कितना ज़्यादा पैसा मिला है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसमें हम माइनस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, 75.15 एंड 67.50, ठीक, इसको हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ओके। तो जितना भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। अब माइनस तो कर ही सकते हो ना, 5 से 0 जाएगा, कितना बचेगा, इस तरीके से निकालना, ठीक है, करवा दें, 5, 1 से 5 जाएगा नहीं, 11, 11 से 5 जाएगा, 6 डेसिमल्स लगाओ यहाँ पे, 4, 4 से 7 जाएगा नहीं, बोरो लिया 14 हो गया, और 14 तो 7 इधर कितना बचा, 6 से 6 तो 7.65 इतना पैसा, ओके। तो यही आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं, राखी हैड 500 सी बॉट इन पर्स फॉर 75.50, सी आल्सो बॉट इन सेम सम मेडिसिन एंड द पेड देयर अ बिल ऑफ 121.35, व्हाट अमाउंट मनी ही वाज लेफ्ट विद हर। तो इसमें से क्या करना है कि राखी के पास 500 रुपये का नोट था, सी बॉट इन पर्स, उसने क्या खरीदा, एक पर्स खरीदा और दूसरा उसने कुछ मेडिसिन्स ली, बिल ऑफ जिसका बिल इतना हुआ 121.35 रुपये। तो क्या करना है, जो हम सर्कल करेंगे इसको और इसको आपस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, और फिर इन दोनों का सम यानी 121.35 और 75 ये आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे, ये आपस में ऐड होंगे, और फिर इसका जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, 500 से हम सबस्ट्रैक्ट करा देंगे, ठीक है, 500 से इसको हम क्या करा देंगे, सबस्ट्रैक्ट करा देंगे, जितना भी आपका आंसर आए वो 500 से माइनस कर देना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब 5 से 5 होगा कि नहीं, 5, 3, 8 डेसिमल्स, 5, 1, 6, 7, 8, 9 कितना 1, तो कितना हो गया 196। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 500 डेसिमल्स 00, अब इसको हम माइनस करेंगे 196 डेसिमल्स 85, ठीक, इसको जब माइनस करेंगे तो जितना भी आंसर आएगा वही क्या बचेगा, व्हाट अमाउंट मनी वाज लेफ्ट विद हर, तो उसके पास राखी के पास इतना पैसा बचेगा, ओके, क्लियर नाउ। बस आपका स्टेटमेंट का ही इसमें काम है और कुछ नहीं स्पेशली। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, फॉलोइंग द टेम्परेचर वाज द रिकॉर्डेड फॉर द 3 कंसेक्यूटिव डेज, यानी मतलब कंटिन्यूअस लगातार जो इसमें टेम्परेचर डिनोट किया गया है, तो ट्यूसडे को इतना है, वेडनेसडे को इतना है, थर्सडे को इतना है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे और थर्सडे एंड ट्यूसडे। तो थर्सडे का कितना 38 डिग्री 3, तो इनका जो है डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस में हमेशा क्या करेंगे, सबस्ट्रैक्ट कराएंगे, डिफरेंस में हम हमेशा क्या कराएंगे, सबस्ट्रैक्ट कराएंगे, किससे, तो थर्सडे वाले का टेम्परेचर लिख लो तो 38.3 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, इसमें, और ट्यूसडे का कितना है, तो 33.5 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, डिफरेंस में हमेशा यही निकालेंगे, पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो डिफरेंस में आपको निकालना है, तो 3 से 5 जाएगा नहीं, 13 से 5 जाएगा, तो कितना बचेगा, 8 डेसिमल्स लगाओ, यहाँ पे बचा 7, 7 से 3 जाएगा, तो कितना बचेगा 4, और बस ये 4.8 डिग्री सेल्सियस इतना आएगा इसका आंसर, ओके। बी वाले का सम ऑफ द टेम्परेचर फॉर 3 डेज, तीनों को टेम्परेचर को ऐड कर दो आपस में, जितना भी है सब के सब ऐड हो जाएंगे, 33.5 डिग्री सेल्सियस
40.2 डिग्री सेल्सियस और फिर 38.3 डिग्री सेल्सियस, सबको ऐड कर दो, जितना भी आएगा वही क्या हो जाएगा, इस बी वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके आगे चलते हैं। एट द पेट्रोल स्टेशन से कितना दे रखा है यहाँ पे, 231,400 ml ऑफ पेट्रोल वॉज फील्ड इन अ कार, इतना भराया उसने और इतना वॉज फील्ड इन टू व्हीलर, और इतना टू व्हीलर में भराया, ये कार में फिल कराया, ये कार में इतना भराया, ठीक, कार में जो भराया गया वो कितना भराया गया, तो कार में इतना भराया गया। और इसके बाद हम बात करें टू व्हीलर, तो टू व्हीलर मतलब मोटरसाइकिल में इतना भरवाया गया, और इतना किस में भराया गया, ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा में इतना भराया गया, ठीक है, ml में ही सारे हैं। तो हाउ मच पेट्रोल वॉज सोल्ड, तो कितना पेट्रोल उसका बिका, ठीक, उसने भरा तो कितना पेट्रोल उसका, हाउ मच पेट्रोल वॉज सोल्ड, कितना बिका, ठीक है, बेचा गया। तो ये चीज़ें कह सकते हैं, यहाँ आपस में सबको ऐड कर दो और पता चल जाएगा कितना बिका। तो 212 31 1400 फिर 6 1 2 5 0, ठीक है, इस तरीके से सबको आपस में ऐड कर देना, जो भी आए 9 1 3 7 5, सबको ऐड कर दो, जितना भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तीनों को ऐड कर देना। सचिता बॉट इन 6.575 इन फैब्रिक, सचिता बॉट 6.75 मीटर ऑफ फैब्रिक फॉर हर ड्रेस, ठीक, एंड सी यूज इन 3.45 मीटर फॉर हर सेल्फ, और उसने अपने में इतना यूज़ कर लिया, एंड हाउ मच फैब्रिक इज लेफ्ट विद हर, तो कितना फैब्रिक उसके पास बचा। तो इसमें भी हमको क्या करना है, बचने की बात कहा तो ख़रीदा इतना था, तो जितना ख़रीदा है तो 6.75 मीटर उसने ख़रीदा था, और 3.45 मीटर उसने यूज़ कर लिया, तो माइनस कर देते हैं, जितना भी आंसर, 5 से 5 जाएगा 0 और 7 से 4 जाएगा तो 3, डेसिमल 6 से 3 जाएगा तो 3, तो 3.30, तो कितना बचा, तो 3.30 बचा, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 3.30 फैब्रिक इज 3.30 मीटर फैब्रिक इज लेफ्ट विद हर, ठीक है, उसके द्वारा जो बचा हुआ फैब्रिक है वो कितना बचा, 3.30 मीटर। ओके क्लियर नाउ, डू टू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रहा होगा कुछ ना कुछ, थोड़ा वो प्रयास करोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज फिर वही है। डिविजन्स ऑफ डेसिमल्स में अभी जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होने चले वर्ड प्रॉब्लम्स के, वो डिविजन्स ऑफ डेसिमल्स में बात करें, नहीं वर्ड प्रॉब्लम्स के असर नहीं है, 8.7 है जिसमें हम अभी तक क्या सीखे थे, अब डिविजन्स और मल्टीप्लिकेशंस में ही रहेंगे हम, डिविजन्स भी हैं और मल्टीप्लिकेशंस के भी क्वेश्चन हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।